आज का जो व्लॉग है ना, ये बात बढ़िया होगा। अरे बोल, इमेजिन कीजिए माधवज का व्लॉग है और सडनली आपको उसमें कोई और नजर आए तो आपको कैसा झटका लगेगा, भैया ये कौन आ गया। खैर, इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे बैंड में कौन कौन लोग हैं। उन्हीं में से किसी एक ने ये व्लॉग बनाया है। बेसिकली बेचारे ने जो व्लॉग है वो पहली बार बनाया है। हम पिछले कुछ दिनों से इतने ज्यादा बिजी थे कुछ सेवाओं के अंदर, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि क्या आप प्रसादम बना रहे हैं कि नहीं, क्या आपने सेवा बंद कर दी कि नहीं। तो मेरे को लगा कि व्लॉग बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा। तो मैंने नीलेश, जो हमारे वन एंड ओनली द ग्रेट गैम्बलर नीलेश को मैंने बोला कि भाई दिस इज अ टाइम यू विल हैव टू टेक द सर्विस। खैर, हमारे बैंड में कभी भी किसी सर्विस के लिए कोई भी मना नहीं करता है, ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि प्लीज डू दिस फॉर मी बिकॉज मैं नहीं जा पा रहा हूँ, प्लीज जाकर व्लॉग बनाना। एंड गाइस, यू गोना लव दिस व्लॉग फॉर श्योर। मैंने उससे परमिशन ले ली है, परमिशन क्या ले ली उसकी, ऐसी की तैसी। एक ऐसे नहीं। नसे परमिशन ले लिए कि भैया आज तो आपकी तारीफों के पुल बंधेंगे क्योंकि आपने व्लॉग जो ऐसा बनाया। तो हियर वी प्रेजेंट द अमेजिंग व्लॉग विद द फर्स्ट टाइम ब्लॉगर मिस्टर नीलेश। आप सबको मन कर रहा होगा यार ये माइक मुझे भी चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं। वैसे तो मुझे जोश नहीं आता, बट इन सब ने मिलके मुझे बोला कि तू नीलेश कभी ब्लॉग नहीं बना सकता। सो आज मैंने कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। बात तो सही है, नीलेश ने कोशिश तो बहुत अच्छी करी। कितनी भी कोशिश कर ले, सो जो ये वर्ड है सो, उसने इसमें इतनी बार यूज कर लिया होगा जितना शायद उसने अपनी जिंदगी में नहीं यूज किया होगा। तो चलिए गिनते हैं मिलकर, और आप भी मुझे बताइएगा कि लगभग कितनी बारी 100 वर्ड का इसने इस्तेमाल किया है। सॉरी, आज मैं खूब पकाने वाला हूँ क्योंकि व्लॉग ही कुछ ऐसा है। कोशिश कर, आशीर्वाद लेके बनेगा, बनेगा जी, अंकल जी का आशीर्वाद है बस, और क्या चाहिए। हरे कृष्णा। सो मेरा नाम नीलेश है और ये है मिस्टर श्याम प्रो जो हमारे मैनेजर है। सो आज एक्चुअल में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी है, ठीक है। तो ये सेवा मुझे मिली है, सो आज मैं आपका ब्लॉगर, आज आप प्लीज़ मुझे सह के लेना आप लोग, मैं पहली बार कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम नीलेश और ये यहाँ से जो जा रही है ये आकाशवाणी है, जो अभी कुछ तो आकाशवाणी तो करके जाओ। अभी तो बहुत सारा काम करना है, शूटिंग के लिए सामान पैक करना है, गाड़ी में हमारे गुरु जी से मिलो। सो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे शूटिंग तो तो देखा आपने, बीच में जितनी बारी भी नीलेश कट लेगा, मतलब एक चीज़ को बोलने के लिए वो दोबारा टेक लेगा, वो मैं आपको ज़रूर दिखाने वाला हूँ, जिससे कि आपको ये पता लगेगा जब पहली बार कोई व्लॉग करता है तो हिंदी बोलने की कोशिश करता है जैसे नीलेश कर रहा है, क्योंकि ये हिंदी ज़्यादा बोलता नहीं है। और जितने भी वहाँ पर लोग बैठे हैं जो कि सोचते हैं कि यार हम भी व्लॉग बनाते हैं, आप सब भी ट्राई करिए, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बेस्ट ऑफ लक। दोबारा चलते हैं व्लॉग की तरफ। सो जैसे कि आप लोग ने आकाशवाणी के मुख से तो आपने सुन ही लिया कि अभी शूट आने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से सारे लोग बिजी है और ये सेवा मुझे प्रभु जी ने दी है, बोले कि आज तो ब्लॉग बनाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। सो ये शूट की तैयारी हो रही है, इधर सारे सामान जा रहे हैं। और ये है श्याम प्रभु, आज आपके सामने पेश है नीलेश प्रभु द्वारा दिया जाने वाला आशीर्वाद देना। तो मैं इन सब का आशीर्वाद लेके आज कोशिश करूंगा। आशीर्वाद राधा रानी का आपके साथ है, चिंता ना कीजिए, कोशिश करूंगा अच्छे से। सुप्री राधा प्रभु मुरारी नहीं है। आपको समझ में आया उसमें नीलेश ने क्या बोला? तो प्लीज मेरा ब्लॉग सह के सह के लेना। सह के लेना मतलब क्या, कमाल की मतलब हिंदी है ना, मतलब तो आप मेरा प्लीज ब्लॉग बर्दाश्त कर लेना। वाह नीलेश जी, आपसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, थैंक यू सो मच। कहाँ थे आप? ठीक है, सबका आशीर्वाद है मेरे साथ। देख लो कितना संस्कारी है ना, आशीर्वाद जरूर ले रहा है। चलिए देखते हैं
कहाँ तक सफल होता है इसका आशीर्वाद। आई होप कि आपको इसका व्लॉग पसंद आए। बट इसका व्लॉग आगे जाए उससे पहले, वैसे इसने भी पूरी कोशिश करी है स्पॉन्सर्स के नाम लेने की, बट मैं नहीं चाहता कि है ना स्पॉन्सर सुन के गए अरे भैया ये क्या कर रहा है, इतने रीटेक कि भाई साहब आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको आज परेशान करूंगा दिखाकर। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन है स्पॉन्सर मील्स के, किसी ने 1000 ब्रजवासी के लिए मील स्पॉन्सर किया था, तो मैं आपको उनकी डिटेल बताऊंगा। प्लस मैं आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताऊंगा पिछले पूरे हफ्ते में जितने भी डिवोटीज ने कॉन्ट्रीब्यूशन भेजा उन सबकी भी नाम बताऊंगा, तैयार हो जाइए। ऐसे वैसे आपको इस वक्त ना सबसे ज्यादा मन कर होगा सिर्फ नीलेश की बातें सुनने का, बाकी सब बातें तो सर हम रोज देखते हैं। थोड़ा सबर तो करिए, सबर का फल मीठा होता है। तो जो ये फैमिली है ये है डिडवानी फैमिली, महाराजा मसाला उद्योग खमागांव महाराष्ट्र से। बेसिकली इनकी कंपनी है महाराजा मसाला उद्योग और इन्होंने 1000 लोगों का जो 1000 ब्रजवासी के लिए प्रसादम वितरण का प्रण लिया है वो उन्होंने 28 सितंबर के लिए लिया है। हमने 28 तारीख को बेसिकली 2500 लोगों का प्रसादम जो वितरण किया उसमें से 1000 लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है वो इन्होंने की थी और उस दिन बने थे उफ, मतलब हम आपको दिखाने वाले हैं आज जो उस दिन बना था सफेद चने और चावल। गाइज आपको ना ये सफेद चने और चावल, मेरे मुंह में पानी आ गया, आपको ये सफेद चने और चावल ट्राई करने चाहिए ब्रजवासी जो के लिए जो यहाँ बनते हैं। उफ उफ इतने टेस्टी भाई साहब। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डिडवानी फैमिली के फैमिली मेंबर्स के नाम, संतोष जी, सुनीता जी, निखिल एस, रोशनी, प्रीशा, निधि, नेहा एस डिडवानी, महाराजा मसाला उद्योग खमागांव महाराष्ट्र से। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबॉडी ऑफ दिस फैमिली मेंबर जिन्होंने हम कंट्रीब्यूशन दिया इस अमेजिंग प्रसाद वितरण, डिवाइन प्रसाद वितरण सर्विस के लिए। थैंक यू सो मच। कमाल की बात यह भी है कि इनके कुछ फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो कि हमको इन फ्यूचर दे हैव प्लेज्ड कि दे विल बी आल्सो कंट्रीब्यूटिंग। थैंक यू सो मच टू एवरीबॉडी। तो अब मैं आपको बाकी दिनों में जो सेवा चल रही है जो पिछले पूरे हफ्ते से चलती आ रही है तो मैं उन सबके नाम लेना चाहूंगा। लिया फ्रेरॉट, सिमरन दयाल, पीहू एंड पूर्वी, मनस्विनी पात्रा, वाणीनाथ ऑन बिहाफ ऑफ हर मदर गीता जी, चित्रा महतो, हर डॉटर नंदिनी एंड हर फैमिली, पूजा मजुमदार, अरविंद सिंह रावत, नैरिति तरफदर, अंकुर जैन, पीहू एंड पूर्वी वंस अगेन, पार्थ सारथी, महेंद्र मालविया जी इज ऑल्सो अ रेगुलर डोनर, इनसे मेरी कभी बात नहीं हुई बट इनका नाम मुझे अच्छे से याद है, थैंक यू सो मच। शिवानी वाजपेयी एंड हर पेरेंट्स, सूर्य नंदिनी देवी दासी, प्रेम भक्ति रास देवी माता जी, हर डॉटर गौरांगी एंड फ्रेंड्स, ये शायद वृंदावन में ही हमारे किसी टीम मेंबर को मिले थे जिन्होंने वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। पलक परीक्षा एंड पारखी ठाकुर, P3 रॉक स्टार्स, वाओ लगता है तीनों बहनें जो कि अमेजिंग, इनको टैग दिया है इनके फादर ने शायद जिन्होंने मुझे मैसेज किया था P3 रॉक स्टार्स का, दैट्स अमेजिंग। हितेश पावा, पॉम्पी सील, केशव सो गुलाब, महापावन निताई दास, सुमन सुंदरेश जी, कल्याणी, नमन अरोड़ा, मुस्कान शारदा, आदर्श मिश्रा, कंथाराव कंचरला, एंटोनियो न्यूजो, डिजारी पैंकोर्बो बैडियोला, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, ही इज अगेन देयर आल्सो अगेन अ कंट्रीब्यूटर, हितेश ठक्के, अमरनाथ चिन्ना महाराजू, फॉर प्लेजर ऑफ माय गुरु महाराज मदर, एलिवेलू मंगा तायार जी, हु लेफ्ट हर बॉडी रिसेंटली एंड रीच लॉर्ड्स अबोर्ड, जय जय श्री राधे, बालाजी गोपाल पतवर, संतोष बजाज, प्रियंका पाटिल, निशा उन्नी कृष्णानुनी, ईश्वर शर्मा, निद्रिता सेन गुप्ता, सुनील कुमार, अभिजीत भौमिक, प्रियांश चोना, अमर सेजपाल, सतीश शेरकर फ्रॉम पुणे, ज्योति यादव, योगेंद्र भाई हु इज फादर ऑफ बिनल जी, वी सर्व प्रसादम ऑन 1st October हु इज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल सर्जरी, वेल वी ऑल प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी, कार्तिकेयन सेल्वन, सुदेश पनवर, केसवान, कल्याणी गोशिका, हितेश पावा, अंगजल सुमा, ईशु शर्मा, सुनील के आर, रश्मि सिंह, वैभव भोर, पी प्रकृति, विजयश्री सेवा, ए के बंसल, दिनकल शेख, श्रीदेवी शिरेडी, गुलीन भमरा, रागिनी पटेल, गौरव कांत, साची राम, सत्यम त्रिपाठी, संग सोनी, नमन अरोड़ा, मनीषा गुरोई, एस एडिशंस, चंदन देवनाथ, सुप्रिया शेखावत, सुबोध मोहता, अरविंद काम्बोज। तो गाइस ये जो लोग थे इनकी अभी तक हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आई थी उनके थ्रू प्रसादम वितरण हो चुका है। तो चलिए ठीक उसी जगह पे वापस चलते हैं, देखते हैं कि नीलेश का चल क्या रहा भैया। सो ये है मुरारी जी और ये है नाना जी और ये गाड़ी को देखिए, जब भी आपको ये नंबर दिखा आप समझ जाना कि आपकी भूख मिटने वाली है। कौन सी सब्जी है ये? व्हाइट छोले। This is rice. हाँ। ये गाड़ी नंबर जो लोगों की भूख मिटाती है। हमारे पास सैनिटाइजर भी है, ये रहा सैनिटाइजर। सो अभी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है और अभी टाइम हुआ है, वेट लेट मी चेक, 4:41।
टाइम भी चेक कर रहा है, वो भी उसी फोन से जिस फोन से वो स्टोरी बना रहा है। वाह नीलेश जी वाह। सो आप लोग बताइए कि पहला स्टॉप कहाँ है एंड आपके एक्सपीरियंस थोड़ी शेयर कीजिए, थोड़ी शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। आया ना, मेरे दिमाग में भी आया था। इनफैक्ट जब मेरे साथ बैठकर हरि ये वीडियो देख रहा था तो वो भी बोल रहा था, पापा ये शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है। वाह नीलेश जी वाह। कुछ लोग अधिक मास में या पुरुषोत्तम मास जिसको बोलते हैं ब्रज में, पहली बार ये यहाँ पे लॉकडाउन में पड़ा है, आए हुए हैं, हमारे बंबई से आए हुए हैं 8-10 आदमी, उनकी प्रसाद की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमसे मुलाकात हो गई तो हम उनको डेली दे रहे हैं प्रसाद। अभी उन्हीं का कॉल आ रहा था। सो वी विल बी बैक इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स, विद इन 5 मिनट्स। ओके कैरी ऑन प्लीज। उत्साह रहता हमारे दिल में, फर्स्ट टाइम में प्रसाद बांटने हम जा रहे हैं, जैसे रहता है नी फंक्शन होता है, ऐसा लग रहा है कि हमको खुशी रहती है अंदर दिल में, हमारे में वो होती है उत्साह, हमारे में बहुत उत्साह है गुरु सेवा करने का। और इसका अंदाजा आप हमारे चेहरे से लगा लो, हमारा चेहरा देखिए गुरु जी ऐसा। हमारी तो राधा रानी है जो भी है। कितने महीने हो गए हमें ये सेवा करते हुए? हमारा 6वां महीना चल रहा है। राधे राधे। आप लोग कहाँ से हो? वैसे पुणे से हम, यहाँ से भोजन रहता है डेली। तो हमारे डोले सोले देखो हम 6 महीने से दे रहे हैं, अभी 3 शिफ्ट करा है तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, आप लोगों ने ये दिया है इससे हमको रिलीफ मिल रहा है अभी गर्म पट्टी से, क्योंकि सेवा अभी हमारी बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, और लॉन्ग लाइफ चलेगी ये सेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू ही है माता, तू ही पिता रे, दाता भी तू है, तू ही सखा रे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिख भक्त जब भी तुझको पुकारे, उसकी ओर तू दौड़ा चला रे, तो ये जो डेस्टिनेशन जो आपने देखा अभी जहाँ पे हम प्रसाद बांट रहे थे, तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि क्यों जी नीलेश जी, आपको लगता है ब्लॉग बनाना बहुत सिंपल है? सीन बताते बताते सीन भूल गए आप? पता लगा आपको जब हम ब्लॉग बनाते तो काहे कितना डिफिकल्ट होता है भैया, पता चली? हाँ मजा आई। सो अभी जहाँ हमने प्रसाद हम बांटा है, तो वहाँ का ये कि अभी जैसे पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ठीक है, तो लोग आते, भक्त जो भक्त लोग हैं तो वो आते वृंदावन की परिक्रमा करने के लिए, तो इसके लिए अब हम यहाँ पे बांट रहे पुरुषोत्तम मास में, बट अब हम जा रहे तो वो हमारा जो डेली हम जहाँ बांटते हम वहाँ पे जा रहे। सो ये जो माइक की टोन है ये हमने जान मुझ के निलेश भैया, आप भी तो बात कुछ यूनिक कर रहे हो इस व्लॉग में, जो आपने कमाल किया है वो तो एकदम यूनिक है। इसमें बोलने के बाद सच में आपको अपने ऊपर हंसी आएगी, और ये आपको वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। बोलो जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हरि बोल। खाने की घड़ी आ चुकी है, जब भी आए प्रसाद पावे, खाने की घड़ी आ चुकी है, सारे आगे बढ़ते हैं प्रसाद पावे। हम आ गए यार, नाम नाम नाम।
की पीड़ा दूर भगाए, अपनी वाणी से आस जगाए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। साथ तो उसके जो ले तेरा नाम रे, नाम में तू और तू ही हरि नाम रे। आज के जो प्रसादम के जो स्पॉन्सर्स है, अब हम उनका नाम पढ़ेंगे। जी हाँ, तो ये आ गया है वो समय जब आज के स्पॉन्सर्स का नाम जो पढ़ेंगे नीलेश जी। शुक्र है उनके पास ये वाली लंबी लिस्ट नहीं है जो मैंने पढ़ी, नहीं तो ये व्लॉग कम से कम नहीं तो 17,819 घंटे का होता। पूरा ना मानिए, थोड़े से ज्यादा नहीं, कुछ रीटेक्स लिए हैं उनने और मैं आपको वो सारे रीटेक्स दिखाने वाला हूँ। ओ भैया, आपको भी तो पता चले कि हमारे बैंड में एक से एक धुरंधर लोग हैं। चलिए चलते हैं इनके रीटेक्स देखने के लिए। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज की जो स्पॉन्सर्स है, अब हम उनका नाम पढ़ेंगे। द नेम्स आर नाउ विल रीड द स्पॉन्सर्स ने जिन्होंने आज के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। तो उनका नाम है हरे कृष्णा। सो नाउ विल रीड द स्पॉन्सर्स नेम जिन्होंने आज 1000 ब्रजवासी की प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। सो उनका नाम है हरे कृष्णा। सो आज के जो प्रसादम की स्पॉन्सरिंग है, जो 1000 ब्रजवासी की प्रसादम की स्पॉन्स हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्पॉन्सर्स नेम आज की जो स्पॉन्सरिंग जिन्होंने करी है। ए यार बेचारा लीलेश इरिटेट हो गया। जो भी लोग कैमरा के जो वीडियो देख रहे होते हैं वो ये सोचते होंगे ला इसमें क्या, और एक बार कैमरा के सामने आ जाते हैं तो वाह जी वाह, क्या टमाटर की चटनियाँ बनती हैं। आगे देखते हैं, अभी रीटेक खत्म नहीं हुए, अभी बहुत सारे पड़े हैं और सब दिखाऊंगा आपको। हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्पॉन्सर्स नेम। हरे कृष्णा। इतनी बारी हरे कृष्णा हो गया इसका कि सही बता रहा हूँ, अगर आप साथ में माला लेके बैठेंगे तो आपकी पूरी एक माला हो जाएगी। So now it's time to read the sponsor's name. जिन्होंने आज की प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है, सो उनका नाम है दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि फाइनली नीलेश ने स्पॉन्सर्स के नाम ले लिए। हरे कृष्णा। So now it's time to read the sponsor's name. जिन्होंने आज के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है, सो उनका नाम है संतोष डिडवानी, सुनीता डिडवानी, निखिल एस डिडवानी, रोशनी एन डिडवानी, प्रिशा एन डिडवानी, निधि एस डिडवानी एंड नेहा एस डिडवानी। ये सभी महाराष्ट्र मसाला उद्योग कामगांव महाराष्ट्र में जो मसाला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनकी फैमिली, मतलब वो फैमिली है। इन्होंने आज 1000 ब्रजवासी के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। So let's pray for them and chant Hare Krishna. भाई मुंडे वास्ते तालियां बजनी चाहिए ने, जोरदार तालियां मारो सारे इकट्ठे। बंदे ने एक सांच सारे ना ले ले, एक सांच। पर आपको क्या लगता है, हो गया खत्म? अरे नहीं, पिक्चर तो भी बाकी है। नीलेश को ऐसा लग रहा है अभी मुझे नाम लेके मजा नहीं आया, एक बार और ट्राई करूंगा। चलो आपको दिखाई देता हूँ, एक बार और ट्राई किया नीलेश ने, चलो देखो।
हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्पॉन्सर्स नेम जिन्होंने आज के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। सो उनका नाम है संतोष डिडवानी, सुनीता डिडवानी, निखिल एस डिडवानी, रोशनी एन डिडवानी, रिशा एन डिडवानी, निधि एस डिडवानी एंड नेहा एस डिडवानी। ये सभी महाराष्ट्र मसाला उद्योग। ए यार तो मुझे बोलना चाहिए नीलेश के बच्चे, ए यार तो मेरे को बोलना चाहिए। वन लास्ट चांस आई एम गिविंग यू, जल्दी से बोल दे सारे के सारे नाम और खत्म कर ब्लॉग को, ब्लॉग पक गए हैं। हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्पॉन्सर्स नेम जिन्होंने आज के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। सो उनका नाम है कोई मेरे को प्रसादम खिला दो, मुझे गुस्सा आ रहा है। नीलेश इतने सारे रीटेक, पता है जितनी बारी रीटेक लिए कम से कम 1,000 लोगों की जगह 10,000 लोगों का प्रसादम स्पॉन्सर हो चुका है। अब बेचारे फंस गए खमा गाँव वाले, महाराजा मसाला उद्योग कंपनी के जितने भी इतनी क्यूट सी फैमिली है टिडवानी फैमिली, अब उनको 10,000 लोगों के स्पॉन्सर करना पड़ेगा प्रसादम। बेचारे प्रभु जी आप देख लो कैसे करना है, नहीं तो बच्चा थोड़ा नया है इससे थोड़ी सी गलती हो गई है। हरे कृष्णा। सो नाउ इट्स टाइम टू रीड द स्पॉन्सर्स नेम जिन्होंने आज के प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। वो है संतोष डिडवानी, सुनीता डिडवानी, निखिल एस डिडवानी, रोशनी एन डिडवानी, रिशा एन डिडवानी, निधि एस डिडवानी एंड नेहा एस डिडवानी। ये सभी महाराष्ट्र मसाला उद्योग कामागांव महाराष्ट्र में जो मसाला की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनकी फैमिली, वो फैमिली है। आज इन्होंने 1000 ब्रजवासी की प्रसादम की स्पॉन्सरिंग करी है। सो लेट्स प्रे फॉर देयर फैमिली जो कि ऐसे आगे भक्ति में आगे प्रगति करे। हरे बोल भाई। फाइनली बंदे के ऊपर मेरे को दिल आ गया, नीलेश के ऊपर ना, अगले ने पूरी कोशिश करी, मेरे को तो बहुत क्यूट लगा। जोक्स अपार्ट आप बताइए आपको नीलेश की जो व्लॉग है ये कैसी लगी? बंदे ने इतने सारे रिटेक लिए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक्चुअली में उसको इतनी लंबी लाइन एक साथ बोलने को मिली, शायद इसलिए वो बेचारा बार बार रिटेक ले रहा था, कभी पिछले किसी चीज की वजह थी कभी किसी चीज की वजह थी। डिडवानी फैमिली आपको भी ये व्लॉग याद रहने वाला है, 1000 लोगों की जगह 10,000 या 15,000 या 20,000 लोगों का स्पॉन्सरशिप दे दिया आपने। नहीं मैं इसलिए नहीं ऐसे कह रहा हूँ कि आप दें, बट कभी कभी यादगार बन जाती हैं चीजें और ये व्लॉग आपके लिए भी उतना ही यादगार रहेगा जितना कि हमारे लिए यादगार रहने वाला है। आखिरी कुछ चंद लफ्ज जो नीलेश जी बोलना चाहेंगे इसके बाद हम ये व्लॉग को समाप्त करने की घोषणा करेंगे। अब हम घर जा रहे टू रिफिल आवर कंटेनर्स जो कि अब खाली हो चुका है। सो हम आएंगे। लो जी कर लो बात, आखिरी में भी बंदा रिटेक ही मार के चला गया और उसके बाद से एक भी वीडियो शूट नहीं किया, कहता बस करो बहुत हो गया। मेरे पास आया कहता भैया ये ब्लॉग व्लॉग अपने बस की बात नहीं है। मैंने कहा लेकिन आपको करना पड़ेगा रेगुलरली। तो आप में से कितने लोग चाहते हैं नीलेश के द्वारा एक और ब्लॉग देखा जाए? हाथ खड़े करो। हाथ खड़े नहीं करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैसेज डालिए, कमेंट कीजिए कि कितने लोग नीलेश का ब्लॉग दोबारा देखना चाहते हैं और कितने लोग ये मेरी जो हरकतें हैं ये भी साथ में देखना चाहते हैं। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिसको डोनेशन देनी हो वो डोनेट कीजिए। ये जो हमने डिटेल्स डाली हुई है वीडियो के आसपास साइड में आजू बाजू ऊपर नीचे, उस डिटेल्स को पढ़कर आप डोनेशन दे सकते हैं। मजा आया, मजा आया। इसमें इफेक्ट भी है, मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। हरे 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 हरे।